हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए आज के इस सेशन में एक देखिए छोटी सी और बहुत बड़ी गलती है। क्या आपके में भी लॉगिन करने के उपरांत इस प्रकार से दिखा रहा है? सेकंड काउंसलिंग में इस प्रकार से दिक्कतें क्यों आ रही हैं? क्या इसका सलूशन है और ये हमने क्या ऐसी गलती की है जो आपको इस प्रकार से दिखा रहा है? ठीक है, तो हमने अभी तक तीन स्टूडेंट्स का अभी तक इस प्रकार से पाया है, जिनमें से दो लोग काउंसलिंग के लिए हमें उन लोगों ने पेमेंट कर दिया था। अब उनका पेमेंट हम वापस कर देंगे उनको। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या किस प्रकार से गलती है। हम आपको अभी स्क्रीनशॉट यहां पर लगा देंगे, देख लीजिएगा। इसमें देखिए क्या है समस्या। यह है कि जैसे जो स्टूडेंट ब्रोचर जो है आपका सूचना विवरणी का, तो पेज नंबर 54 एंड 55 आप लोग रीड करिएगा अच्छे से। उसमें साफ साफ क्या लिखा हुआ है, वही आपकी गलती है। उसमें साफ साफ ये लिखा है कि यूपी कैडेट के फर्स्ट काउंसलिंग में जिन लोगों को सीट अलाटमेंट हो चुका है, मतलब उनको सीट पता चल गया है कि यहाँ पर सीट मिली है, उसके बाद डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड किए हैं या डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया है। ठीक, और तीसरी बात, आपके जो 5,000 की सिक्योरिटी फीस जमा कर दिए और यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिए, और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए हैं उसके बाद अपग्रेडेशन का फॉर्म नहीं भरे हैं, ये तीन बातें आपको ध्यान देनी होगी। ठीक है, ये लोग जितने का इनकम्प्लीट है या फिर कम्प्लीट होने के बाद अपग्रेडेशन का फॉर्म नहीं भरे हैं, उन लोगों का सभी का लॉगिन करने पर ब्लैंक दिखा रहा है, खाली आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ब्लैंक पेज आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करें, सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं? तो जी हाँ, ये कड़वा सत्य है, आपने गलती की है, इसको स्वीकार करना चाहिए। आप सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, चाहे बीएससी का स्टूडेंट हो चाहे एमएससी का स्टूडेंट हो, आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, अब हम क्या करें, अब आपको करना ये है, सेकेंड काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट ना करके थर्ड काउंसलिंग में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, थर्ड वाली जो ऑफलाइन काउंसलिंग होगी उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, और फोर्थ बीएससी यूजी में आप फोर्थ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दोनों ऑफलाइन काउंसलिंग भी। उसमें सब सप्ली का ऑनलाइन काउंसलिंग में है, उसके अगर आप लोग भी उसके शब्दों पर जाएंगे क्या लिखा हुआ है, उसके कहने का भाव क्या है, उसके कहने का भाव ये है कि आप ऑनलाइन सेकेंड काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। अगर थर्ड वाला भी ऑनलाइन होता तो आपको रिजेक्ट कर देता, मतलब ब्लैंक देता, आप एलिजिबल नहीं करता। ठीक है, तो ये चीज़ रही आपकी गलती। ठीक है, अब आपका सलूशन ये है कि थर्ड और फोर्थ ऑफलाइन काउंसलिंग में आप जाइए, एडमिशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बाकी जिन लोगों को अभी भी हमारा काउंसलिंग अगर हमारे द्वारा कराना है और बिना किसी मिस्टेक के, तो आप लोग काउंसलिंग करा सकते हैं, सीट सुनिश्चित करा सकते हैं। सीट मैट्रिक्स वाला वीडियो हम आपको कल सुबह प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग उसको देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।